इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्री एसपी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति, उदित जैन एवं समस्त जैसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो की व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर वन हल्दी जो की कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलोना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीर्थंकर के लघु नंदन है विद्यासागर नाम, तीर्थंकर के लघु नंदन है विद्यासागर नाम, यही मेरे गुरुवर है, यही मेरे ऋषिवर है, श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा, जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष को वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निरपामिति। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतल तापाने शुभ शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निरपामिति।
जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निरपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निरपामिति। भोगों को इतना भोगा के खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प्राप्ताय अर्घम निरपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निरपामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्त। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो चाहे और कोई भी काल हो, छठे काल को छोड़कर तो क्या कहना है, और कुछ नहीं। जो जिस समय अच्छा काल जो सतयुग बोलते हैं चलता था, उस समय में भी सारे के सारे कार्यक्रम धर्म के अनुरूप ही चलते थे। कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो धर्म से प्रतिकूल भी होंगे, ये तो होता ही है। तो एक उदाहरण देना चाहूँगा, उस समय में भी युद्ध होते थे और इस समय में भी युद्ध हो रहे हैं। ये सो इसका तो युग का एक यूं कहना चाहिए जैसे कर्तव्य हो गया। युद्ध के बिना सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय नहीं हो सकता। अब अपने अपने कुवत के अनुसार युद्ध करेंगे, किसी के पास सेना ज़्यादा भी रह सकती, किसी के पास कम भी रह सकती, किसी के पास शस्त्रास्त्र अच्छा बहुमाल बहुमूल्य के भी हैं, किसी के पास कम भी है। अब देखो जब लड़ाई चालू हो गई, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के ऊपर झपटने लगे, कूदने लगे, सब कुछ होने लगा, उसी बीच में ध्यान देने की बात है, दो तीन मानव व्यक्ति गिर गए, लौ लोहान हो गए, उठना मुश्किल हो रहा है। इस दृश्य को देख करके भागता हुआ इधर से एक व्यक्ति आया आया और देखा, और उसके लिए दवाई दारू पट्टी मरहम पट्टी आदि जो प्राथमिक उपचार है उस रणांगन में भी उपचार होता था। सुन रहे हो आप लोग? हाउ तो कहो। कहलाना है पड़ता है ताकि संस्कार पड़ तो जाए धर्म का कम से कम। अब वह देखता है, देख करके दोनों को मरहम पट्टी कर दिया। इधर से एक आया है दूसरा, उसने भी मरहम पट्टी कर दी। दूसरे से जो आया है वह मान लीजिए विपक्ष का है, और यह पक्ष का सैनिक है। विपक्ष वाले डॉक्टर पक्ष वाले इस पक्ष वाले की दवाई दारू कैसे करेगा, इससे कोई भी वहाँ पर प्रयोजन नहीं है। डॉक्टर यदि है तो वह चाहे वह पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, सैनिक या पाकिस्तान का हो या भारत का हो, चिकित्सा करना चिकित्सा देना ये हमारा कर्तव्य। वहाँ पर रणांगन में कूदे हुए सारे दोनों कमाचा युद्ध कर रहे हैं, उस समय में भी धर्म पल सकता है और पलता है। किंतु ये सब को होते हुए भी अनिति परक कार्य भी होते हैं। वो सेना में भले ही हो लेकिन डॉक्टरों में कभी भी नहीं होगा।
इसको बोलते हैं धर्म। अब रणांगन में भी धर्म पाला जा सकता है तो आप लोगों को कम से कम अपने आंगन में बैठ तो करो। धर्म क्या है समझ में तो आता है। इस बात को लेकर के हम सोचते हैं कि धर्म अलग वस्तु है, कर्तव्य का नाम है, लेकिन कुछ अनीति परक युद्ध भी करने वाले सेना होती है, होती है। द्रोणाचार्य ने सुना पांडवों की तरफ से जो योद्धा था उसको कैसे युद्ध के साथ नहीं किंतु अनीति पूर्वक मार डाला। तो इसका बदला तो लेना है। अब अनीति पूर्वक क्यों, जब दोनों के लिए ही नीति बांध दी गई है तो अनीति पूर्वक क्यों? दिन में ही युद्ध होगा, रात में नहीं। आज रात में ही होता है, दिन में विश्राम होता। अब हम क्या करें? कुछ विश्राम लेकर के हो जाए तो नहीं। आज 18 महीने से चल रहा है युद्ध। अब बोलो आप, इसी बीच में भारत भी है। भारत युद्ध में तो भाग लेगा नहीं। जिन्होंने युद्ध चालू किया है उनको समझाने के लिए कई अच्छे राष्ट्र भी भारत को प्रेरित किया जा रहा है। यह युद्ध को रोकने के लिए है। और इस कुछ लोग शस्त्रास्त्र बहुत मात्रा में देने भी चालू है कार्यक्रम। व्यापार तो रोकेंगे कैसे? ये क्या है? थोड़ा सोचना चाहिए। व्यापार होते हुए भी दूसरे का जीवन ही समाप्त हो रहा है अनीति पूर्वक, उसके लिए मदद करना यह धर्म है। व्यापार करना धर्म नहीं माना जाता, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि संधि का अवसर का उपयोग करना। तो इधर से भी चालू हो गया। तो इधर से तो यह एक समय देखा और अश्वत्थामा मृतो, यही है नरोवा कुंजरोवा, कुंजरोवा नरोवा, ये क्या है? ये कविता का टोन है। कविता में टोन के साथ काम चलता। वहां पर उन्होंने कहा मार दिया उनको अश्वत्थामा को। यह अश्वत्थामा दो के नाम, एक हाथी का भी नाम है और एक व्यक्ति का भी नाम है। कौन मरा? हाथी मरा नहीं, दोनों को नाम लिया जा रहा है। अश्वत्थामा मृतो अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, कुंजर मैंने हाथी होता है। नर का मतलब प्रसिद्ध है। क्योंकि यह अनीति क्यों अपनानी पड़ी? यह अनीति ने, ये जिसने गलती की है उसके लिए सही दिशा का एक प्रयोग है। और किसके द्वारा किया गया था? ये नारायण। युद्ध के लिए सेना तो नहीं रखी है किंतु पूरी सेना कौरवों के लिए दे दी। और पांडवों के लिए बिना सेना तुम पांच हो लड़ो,
और इन्होंने उस अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रयोग किया। इसमें पांच पांडव नहीं है, लेकिन उस तरफ का कार्य हो गया। इसी प्रकार कई ऐसे अवसर है। अब भरत चक्रवर्ती के बारे में कहूँ, नीति निपुण और घर में वैरागी। जब तीन युद्धों में धर्म युद्ध हैं, युद्धों में हार गया, अब तो कम से कम क्षायक सम्यक दर्शन का उपयोग तो करना चाहिए। घर में वैरागी, वैरागी शब्द दो शब्दों से बना है, वही और रागी। वही मैंने निश्चय न, वही मैंने निश्चय होता है रागी। वह वैरागी नहीं था किंतु निश्चय से रागी था। इसलिए तीन धर्म युद्धों में हारने के बाद भी युग के आधी में चौथा युद्ध और कर दिया उसने, जो रखा नहीं गया था, अनिति पूर्वक माना जाएगा, जो चक्र चलाया है। हाँ, सुदर्शन जो बुरा कार्य करने में भी लगा है, तो उसको कैसे हम सुदर्शन कहेंगे? सुदर्शन चक्र चलाया, किसके ऊपर चलाया? नीति पूर्वक चलाया क्या, अनिति पूर्वक चलाया? अनिति पूर्वक, कुछ पक्ष तो होगा नीति पूर्वक चलाया नहीं। तीन युद्धों में हार गया तो हार स्वीकार कर लेना चाहिए था, किंतु जब चक्र चलाया जा करके बाहुबली की तीन परिक्रमा करके वह चक्र पुनः जा करके भरत चक्रवर्ती के सामने खड़ा हो गया। काम नहीं किया। पुराण ग्रंथों में तो ये लिखा है कि आज सुदर्शन चक्र नाकाम नहीं हुआ, काम में आता है, लेकिन यहाँ पर अनीति के स्थान पर वह भी नीति को नहीं भूल सकता है। हाँ, ये खबर ही नहीं है भरत चक्रवर्ती को बाहुबली कौन है। बाहुबली तो अपने ही बंधु है, अपने परिवार का सदस्य है। परिवार के सदस्य के ऊपर कभी भी शस्त्रास्त्र, जो अमोक शस्त्र, काम नहीं कर सकते, ये नीति है। अब आप ही देख लो, ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा वर्षा हो रही है। अब ये सोचो कि भरत चक्रवर्ती हो बड़े हो करके तीन युद्धों में हार करके भी अनिति मूलक कुछ जीतना चाहता था। अनिति मूलक आज तक कोई भी जीत नहीं सका, क्योंकि यह अमोघ शस्त्र है। अब यहाँ पर अनिति का प्रयोग यदि करना था तो बाहुबली भी कर सकता, लेकिन नहीं, यह अनिति की सीमा हो गई। यहाँ पर अनिति के साथ नहीं लड़ना है, यह धर्म नीति है। और बाहुबली को वैराग्य हुआ, वह वैरागी है, और यह चक्र के पीछे पड़ा हुआ रागी है। इन बात को सुन करके, यह सब महापुराण का ही विषय है, दोनों का भाई भाई है, दोनों को मुक्त होना भी है। लेकिन मुक्त होने से पूर्व में अनिति जब तक करेगा तब तक उसके लिए मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए
हम कह रहे हैं कि आज भी युद्धों में ही कोई भी सेना का सदस्य कुछ आहत हो जाता है तो उसके मरहम पट्टी भी आज कोई भी हो डॉक्टर मात्र वह वो करके करता है। उसी प्रकार आप लोगों को भी अभी ये सब कुछ करते करते हुए भी कुछ धर्म के बातें भी करना चाहिए। आप लोग बरसात में भी आ गए हैं, मैं सोच रहा था बरसात में नदी नाले आते हैं लेकिन उन सबको भी पार करके आप आ गए। धन्यवाद है, अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्री एसपी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति, उदित जैन एवं समस्त जैसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु, आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर वन हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में सक्षम है, देशी गाय का विलोना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।